अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1.1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ग्रेड प्री 9th. स्टूडेंट प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 4, मेंशन डे एंड डेट हियर. स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर वी वुड डिस्कस डिफरेंट ब्रांचेस और डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. But now today we will discuss the relationship of biology to other sciences. The interrelationship among the different branches of the science cannot be denied. Biology includes the information on the various aspects of the living things, but these information relate to the other branches of the science as well. जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो साइंस है, जैसे उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट हुआ तो फिर उसको डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया गया. तो अब जो वो सारी ब्रांचेज हैं वो आपस में भी लिंक्ड हैं, ठीक है, और इस तरह मतलब उनका एक रिलेशनशिप भी है बाकी सब ब्रांचेज का एक दूसरे के साथ. तो बायोलॉजी का बेसिकली बाकी जो है डिसिप्लिन जो है साइंस के, उन सब के साथ भी एक लिंक है. अब हम वन बाय वन जो है उन सबको भी पढ़ेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट इन द एनिमल्स, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ द मोशन इन द फिजिक्स. तो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. बेसिकली अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारी ये बाजुओं की मूवमेंट है, ठीक है, या हमारे मतलब टांगों की मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट को बेसिकली जो फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन है उसके साथ रिलेट करते हैं, ठीक है. फर्स्टली वी विल डिस्कस बायोफिजिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स. अब बेटा इसकी एग्जांपल आप को मैं जरा अभी पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारे लिम्स हैं, ठीक है, मतलब एनिमल्स या हम अपनी बात करें, तो वो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर जो इन द फिजिक्स है उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि वो मतलब उससे वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा जी, अब बेटा है बायोकेमिस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स और प्रोसेसिंग अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, इसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था बेटा कि जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, हमने खाना खाया, उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसे हमें जो एनर्जी मिली, पूरा एक प्रोसेस है. अब इस ये जो सारा है बेसिकली इसमें मतलब केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि इसमें कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके अलावा एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब बेसिकली उनकी केमिकल नेचर भी है. उसके अलावा सिक्रीशंस निकलती हैं, उन सिक्रीशंस की केमिकल नेचर, जिस तरह मतलब मैं अब इसकी बात करूँ स्टमक की, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिन निकल रहा है, ठीक है, मतलब आगे इस तरह मतलब जो है मतलब हर जो इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, इन सब की बात करते हैं, ये बेसिकली केमिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनका एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक. तो इस वजह से जो है मतलब इस तरह जो बायोकेमिस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा लिंक है मतलब हमारे मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपस में. अच्छा, इसके अलावा कह रहे हैं फोटोसेंसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज बन रहा है, तो वो बेसिकली वो भी पूरा केमिकल रिएक्शन है. तो इस तरह हम केमिस्ट्री को बायो के अंदर मतलब दोनों को मिलकर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री है. नाउ वी विल डिस्कस बायोमैथमेटिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल. फॉर एग्जाम्पल, टू एनालाइज द डाटा गैदर आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ द मैथमेटिक्स. बेटा सिंपल सी बात है, हम जब भी काम करेंगे, ठीक है, हमने उसको जब कैलकुलेशन पे बात आनी है तो हमें उसके लिए मैथ्स को यूज़ करना ही करना है, ठीक है. हमें उस में अब आप सपोज किसी भी आप लेबॉरेटरी में ले लें, ठीक है, वहाँ पे जब काम हो रहा है वो मतलब अपना एक डाटा बना रहे हैं, ठीक है, उस डाटा को जब उन्होंने किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, तो वो सब कुछ जो है उसमें मतलब मैथ्स के साथ हमारा मतलब बायोलॉजी का और मैथ्स का आपस में एक लिंक है, ठीक है. तो इस तरह मतलब ये जो डिसिप्लिन होगा साइंस का, इसको हम बायो मैथमेटिक्स कहेंगे. जी, नाउ वी विल डिस्कस बायो जियोग्राफी. अच्छा जी बेटा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स इन द वर्ल्ड. अच्छा बेटा, अब इसमें बेसिकली क्या है कि देखें हमारा मतलब हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, जरा बेटा पहले मतलब सब कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब इस तरह मतलब ओशंस में अलहदा मतलब मतलब कि कुछ ओशंस जो हैं मतलब जो हमारे मतलब वो ठंडे इलाकों में हैं, ठीक है, इस तरह मतलब वहाँ पर और एनिमल्स पाए जाते हैं. उसके अलावा मतलब कुछ अगर हम सील्स की बात करें, ठीक है, और बाकी लीवर्स की बात करें, उनमें मतलब और डिफरेंट किस्म के मतलब एनिमल्स की टाइप पाई जाती हैं. और फिर मतलब जंगल की बात की जाए, ठीक है,
तो इस तरह मतलब हमारे पास जो वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है अर्थ के ऊपर, तो हम उसको जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें जियोग्राफी का पता होना ज़रूरी है। तो वो जो है फिर बायो उसके साथ लिंक होती है, तब हम मतलब उस वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ के सर्वाइवल के जो कंडीशन है उसके साथ उस एनिमल की कंडीशन पर मैच होते हैं। मतलब इस तरह हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी और मतलब उनकी जो अडॉप्टेशन है उनको स्टडी करते हैं, तो ये सब बायो के अंदर आता है। ठीक है, बायो नेक्स्ट वी विल डिस्कस बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट एंड द वैल्यू द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिकल एंड द बेनिफिट्स और द लॉसेज कैन बी डिटरमाइंड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स का और बायो का मतलब एक मतलब इस तरह रिलेशनशिप है। अब आप हम जब भी कोई ड्रग या कोई वैक्सीन डिज़ाइन करते हैं तो उस वक्त जो है उसका हमने साथ ये इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट भी देखना होता है कि उसकी उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट के बाद फिर जब वो चीज़ हमारी तैयार हो जाएगी तो वो मतलब जो पब्लिक है जब उसमें जा रही है तो वो उस मतलब वो उसकी अफोर्डेबिलिटी में है या नहीं है। ठीक है, इस तरह के हमें बहुत सारे फैक्टर ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने होते हैं। और मतलब जब आप MBBS वाली साइड पे जाते हैं तो उसमें प्रॉपर आपको या PharmD की तरफ जाते हैं तो मतलब इस एज अ सब्जेक्ट भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि जो हॉस्पिटल डिसिप्लिन है ठीक है मतलब उसके अंदर बायो इकोनॉमिक्स का एक मतलब प्रॉपर वो है रोल है। ठीक है, अब वहाँ पे अब एक सिंपल से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर एक MS है उन्होंने कोई चीज़ मंगवानी है उसके लिए वो बिड्स मतलब टेंडर्स वगैरह मंगवाते हैं तो वो अब वो बेसिकली इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप आ जाता है ना कि वो जो वो चीज़ मंगवा रहे हैं उसमें से कौन सी अफोर्डेबल है उस हॉस्पिटल के लिए या नहीं। ये मतलब इस तरह देखें, अब बायोलॉजी का इसके साथ लिंक हो गया। अब उसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम्पल वो वीड की दी है कि वो उस बायो इकोनॉमिक्स में इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके लॉसेज और उसके बेनिफिट्स डिटरमिन करते हैं कि इससे हमें कितना फ़ायदा होगा या समय मतलब ये मतलब हमें जो है वो खुद से तो मतलब पल्ले से तो नहीं डाल रही है मतलब। ठीक है, तो मतलब हम इसके लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक छोटी सी डायग्राम सी बनी हुई है page number 4 के ऊपर ही। ठीक है, अब इसमें आप वो देखें केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, अब उसमें उन्होंने फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी हुई। अच्छा, जियोग्राफी बायोजियोग्राफी और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए, फिजिक्स बायोफिजिक्स मसल्स एंड बोन्स आ गया। ठीक है, मैथमेटिक्स बायोमेट्री और इसमें हम डाटा एनालिसिस आ गया, इकोनॉमिक्स बायो इकोनॉमिक्स लॉसेज एंड प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब बेटा ये जो है ना अगर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिलेशनशिप बायोलॉजी टू द अदर साइंसेज, तो इसमें आपने ये फिर सारे ये याद करने हैं मतलब ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो आपके पास ब्रांचेस बताई मतलब अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंस दिए हैं इनको जो है आपने अच्छी तरह लर्न करना है। ठीक है, हाँ जी, नाउ वी विल डिस्कस कैरियर्स इन द बायोलॉजी। इट इज असेंशियल that the student of the today who will occupy the position in the leadership tomorrow have the background of the modern and forward-looking branches of the science. An accurate and a modern knowledge of the biology will promote a comprehensive of both science and scientific research project. It will benefit the learner in the diverse list of the career. अच्छा जी, वो कहते हैं different careers हैं biology के और जो bio के student हैं उनको मतलब इन सारे careers का अंदाज़ा होना चाहिए कि bio के अंदर वो मतलब क्या क्या कर सकते हैं। Firstly, medicine and surgery है। The profession of medicines deal with the diagnosis and the treatment of the disease in the human. ठीक है, और अब जो सर्जरी है बेटा उसमें क्या ये आपको मेडिसिन का है कि जी मेडिसिन में डायग्नोसिस हो रही है और उस डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है। इन सर्जरी द बॉडी ऑफ द पार्ट मे बी रिपेयर्ड रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। ठीक है, या तो मतलब उसको रिपेयर करते हैं ठीक है या रिप्लेस करते हैं या रिमूव्ड करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में क्या दिया, रिमूवल में क्या है, द रिमूवल ऑफ द स्टोन थ्रू द रीनल सर्जरी, किडनी वगैरह में जिनके मतलब स्टोन्स हो जाते हैं या तो उन स्टोन्स को रिमूव करने के लिए मतलब जो रिमूव किया जा रहा है उसकी एक एग्जांपल दी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किडनी एंड लीवर मतलब ये आपका उसमें होगा रिप्लेस में। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो रिपेयर्ड है उसकी मतलब इधर एग्जांपल नहीं थी लेकिन मतलब आप ये कह लें कि जिस तरह किसी के मतलब ये अपेंडिक्स होता है ठीक है तो उसमें मतलब वो पार्ट जो है उसको वो रिमूव कर लेते हैं लेकिन ये है कि बाकी जो है वो सिस्टम जो है वो रिपेयर्ड हो जाता है। ठीक है, या किसी को ट्रॉमा हो जाता है मतलब कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें हड्डी मतलब बोन्स वगैरह ये टूट जाते हैं तो वो उसको रिपेयर कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा बेटा अब क्या है कि जी बोथ दीज प्रोफेशन आर स्टडीड इन द बेसिक कोर्सेज MBBS एंड देन द स्टूडेंट गो फॉर द स्पेशलाइजेशन। MBBS के बाद फिर उनको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना होता है, ठीक है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे फिशरीज। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। देयर आर डिपार्टमेंट इन द पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ द फिशरीज आर एम्प्लॉयड, ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जी वो कहते हैं कि फिश डिपार्टमेंट के लिए मतलब स्पेशली एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल कोर्स जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है आफ्टर बैचलर और मास्टर लेवल के बाद। अगर आप जूलॉजी में करें तो उसके बाद फिर आप फिशरी में भी उसको जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, ठीक है। नाउ वी विल कोर्सेज़ की बात, असल में आपको साथ साथ इसमें एक तो इस डिसिप्लिन के बारे में बता रहा है कि ये क्या क्या है, उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये कोर्सेज़ किस किस लेवल पे हैं, ठीक है। जैसे अब MBBS की बात हुई तो वो आफ्टर इंटर मतलब हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है हम MBBS की तरफ जा सकते हैं। अब फिशरी के बारे में वो ये कह रहे हैं कि आप बैचलर और मास्टर लेवल की स्टडी इसमें जूलॉजी और फिशरी में की जा सकती है, तभी आप ये प्रोफेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं मतलब इसके बाद, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आ गया बेटा एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप एंड द एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एंड एग्रीकल्चरर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप्स लाइक द वीट, राइस, कॉर्न एंड द एनिमल्स लाइक द बफेलो एंड काउ फ्रॉम विच वी गेट द फूड। इन पाकिस्तान देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज विच ऑफर द प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मतलब ये है कि आपने मतलब FSC प्री मेडिकल किया है तो उसके बाद आपको जो है एग्रीकल्चर के लिए मतलब डिग्री के लिए यहाँ पर कोर्सेज जो हैं वो मिलते हैं। और इससे ये है कि बेटा अब देखें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है दिन ब दिन डेवलप हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे एग्रीकल्चर को लेके उससे क्या हो रहा है बेटा कि जो प्रोडक्शन रेट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी उतनी नहीं रह रही है। तो अब जो नए एग्रीकल्चर के मतलब तरीके हैं उसमें मतलब क्वालिटी ऑफ सीड अच्छे हैं, उसमें नई मशीनरीज की टेक्निक है, ठीक है, नए पेस्टिसाइड्स की मतलब टेक्निक डली है। तो मतलब इस तरह और कंडीशंस वगैरह के मुताबिक देख के मतलब एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन लाई जा सकती है। तो इसलिए इसको प्रॉपरली एक प्रोफेशन के तौर पे रखा गया जो कि मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर के लेवल पे भी है, प्राइवेटली भी मतलब इसके ऊपर जो है मतलब वो वर्किंग की जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बेटर डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स लाइफ स्टॉक, जिस तरह मतलब कैटल है, शीप है। प्रोफेशनल कोर्सेज इन द एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए भी कोर्सेज जो हैं वो मतलब आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपको यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, तो आप इसमें भी अपनी डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। अब बेटा नाउ वी विल डिस्कस हॉर्टिकल्चर। इट इज़ विद द आर्ट ऑफ द गार्डनिंग अ हॉर्टिकल्चर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वराइटीज ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड द फ्रूट्स प्लांट। अच्छा जी, स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हाई सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। बेसिकली आर्ट ऑफ गार्डनिंग है बेटा, इसमें आपने वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो हैं, ठीक है, और फ्रूट प्लांट हो गया, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह, इन सब के ऊपर आप अपनी स्टडी करते हो और इसमें आपको उसमें आप एक डिग्री लेते हो। अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मिंग। इट इज़ विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स, ठीक है। मतलब अब उसमें देखें बेटा, हमारे पास ये पोल्ट्री फार्म भी हो सकता है, जो है कि कहते हैं अब मतलब फ्रूट फार्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन सम फार्म्स एनिमल्स ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। हम इस तरह के उसमें आप कंडीशंस हो सकती हैं कि आप ऐसा जानवर रखो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन दे सके, ठीक है। उसके अलावा बेटा जी, इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस सिमिलरली इन द फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फूड यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। A student who has gone through these professional courses of agriculture and animal husbandry of fishery can adopt this profession, ठीक है, कि ये तीनों में से कोई भी जिसने डिग्री ली हो तो वो भी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर देयर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइज टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग द आर्टिफिशियल
फॉरेस्ट. मैनी यूनिवर्सिटी ऑफर द प्रोफेशनल कोर्स इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायो और आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जियोलॉजी और बॉटनी. ठीक है, कि जिन्होंने जियोलॉजी और बॉटनी मतलब कि कर ली तो उसके बाद भी कोर्सेज उसके हैं और उसके अलावा सेकेंडरी हायरली सेकेंडरी एजुकेशन मतलब एफएससी के बाद भी इसके लिए कोर्सेज हैं. ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये अब देखें बेटा ऐसे लोगों का फिर जो ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है उसमें भी सीट होती हैं और उसके अलावा जो नेचुरल फॉरेस्ट और मतलब उनके भी मतलब टेक केयर करते हैं और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाने की भी एडवाइस गवर्नमेंट को देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस बायोटेक्नोलॉजी. इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल products through the microorganisms. Universities offer the courses in biotechnology after the higher secondary education in biology and after the bachelor level studies of the botany and zoology. जी अब ये क्या बेटा कि ये माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किस तरह मतलब हमारे लिए यूज़फुल कर सकते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है. ठीक है, जिसमें मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है कि इसमें वो मतलब हमारी वैक्सीनेशंस की स्टडी हो जाए होगी. उसके अलावा बेटा क्या कहते हैं, अब आजकल तो ऐसे ड्रग्स भी बन रहे हैं मतलब मेडिसन्स भी बन रही हैं जिसमें मतलब कि हम बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर रहे हैं इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, अच्छा उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसकी स्टडी जो है वो आप आफ्टर एफएससी भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और उसके अलावा जो है बैचलर लेवल में मतलब जूलॉजी और बॉटनी के बाद भी आप इसको आगे पढ़ सकते हैं. अच्छा अब बेटा इसमें ये है कि ये आपका क्वेश्चन जो है ये मतलब कैरियर इन बायोलॉजी के मतलब उस हेडिंग से बन सकते हैं. तो इसमें आपने ये सारे कैरियर्स जो हैं इनको अपने मतलब ये सारे लेवल्स को अच्छी तरह लर्न करना है और इसके एग्जांपल जो हैं उनको भी इनके साथ साथ लर्न करना है. ठीक है, तो इसलिए आपने पेज नंबर 4 और 5 जो है उसको लर्न करना है. ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.